नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खास खबरें। बाइक सवार फैन ने किया वाणी की कार का पीछा, एक्ट्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। अभिनेत्री वाणी कपूर ने अपनी कार का पीछा करने वाले एक फैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल वाणी के वर्सोवा से बांद्रा जाते समय और लौटते हुए बाइक सवार फैन ने उनका पीछा किया था और ड्राइवर द्वारा स्पीड बढ़ाने के बावजूद उसने पीछा करना बंद नहीं किया। बतौर पुलिस आरोपी का नाम समीर खान है। प्रियंका ने ज्यादा समय नहीं दिया, भारत में कटरीना के किरदार से जुड़े सवाल पर सलमान। भारत के प्रमोशन के दौरान कैटरीना कैफ से किरदार की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल पर सलमान खान ने कहा कि प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया। हालांकि कटरीना ने कहा, मेरे पास 2 महीने थे और मैंने बहुत मेहनत की। सलमान ने फिर कहा, कटरीना ने सचमुच बहुत मेहनत की है, अगर प्रियंका इन्हें थोड़ा सा और वक्त दे देती तो। किसी भी लम्हे में श्रीदेवी को भूल पाना नामुमकिन है। पति बोनी कपूर। फिल्म मेकर बोनी कपूर एक इंटरव्यू के दौरान दिवंगत पत्नी श्रीदेवी के बारे में पूछे जाने पर भावुक होते दिखे। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या कोई ऐसा लम्हा होता है जिसमें आप श्रीदेवी को भुला पाए, तो बोनी ने कहा, नामुमकिन है। गौरतलब है, श्रीदेवी का निधन दुबई में फरवरी 2018 में अचानक हृदय गति रुकने से हुआ था। फूलन देवी पर बन रही एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज देगी लीजा रे। डाकू से नेता बनी फूलन देवी पर बनने जा रही एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री में अभिनेत्री लीजा रे प्रमुख किरदार को अपनी आवाज देगी। लीजा ने कहा, फूलन देवी लेजेंड है, मुझे लगता है कि उनकी कहानी को फिर से बताने का इससे ज्यादा अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन ईरानी कन्नडाई फिल्म मेकर हुसैन मार्टिन फजेली कर रहे हैं। 20 साल बाद सड़क 2 के साथ निर्देशन में वापसी पर महेश भट्ट, यह दूसरी पारी नहीं। कारतूस के 20 साल बाद सड़क 2 के साथ पहली बार किसी फिल्म का निर्देशन करने जा रहे महेश भट्ट ने कहा है कि मैं इसे अपनी दूसरी पारी या नई शुरुआत नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा, यह बस हो गया, लेकिन निश्चित रूप से मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता जहां कई स्क्रिप्ट्स के साथ फिल्मों का निर्देशन करता हूं। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।